हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज रोहित कुकड़िया। तो फ्रेंड्स, मेरे लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 2, जो है कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्सेस। और उससे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर फर्स्ट लेक्चर और उसके आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज लेंथ, मास एंड टाइम्स। लेंथ, मास एंड टाइम्स। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर, जो है थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड व्हाट। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिट ऑफ डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब। फिफ्थ क्वेश्चन, 1 केजी इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। सिक्स क्वेश्चन, 1 मेगा न्यूटन इज इक्वल टू 10^6 न्यूटन। सेवंथ क्वेश्चन, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट इज न्यूटन। एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज इंटरनेशनल इज आईएस और इंडियन स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए आज हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो है कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्सेस। और उसके जो टॉपिक नेम है वो है फर्स्ट टॉपिक फोर्स। फर्स्ट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, फोर्स। सेकंड टॉपिक है वेट एंड मास। थर्ड टॉपिक है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। टॉपिक नंबर 4 है रिजल्टेंट फोर्स। टॉपिक नंबर 5 पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस। टॉपिक नंबर 6 है हमारा लामिस थ्योरम। टॉपिक नंबर 7 रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू कॉनकरेंट फोर्सेस। एंड टॉपिक नंबर 8 है इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर जीपीएससी एग्जाम। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, फोर्स। फोर्स, एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंस टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रॉय और टेंस टू डिस्ट्रॉय मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड क्या होता है फ्रेंड्स, फोर्स। इसमें क्या होता है, हमारी कोई भी बॉडी होती है वो स्टेटिक है। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी स्टेटिक है और उसको हमें मोशन में लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स करना पड़ेगा, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी मोशन में है और उसको स्टैटिक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। और वो जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, हम फोर्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। और उसमें जो आईएमपी वर्ड्स है वो है प्रोड्यूस और टेंस टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस और टेंस टू प्रोड्यूस। और यूनिट ऑफ फोर्स इज ए न्यूटन एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इज कंप्लीटली स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो डायरेक्शन अभी है 1 न्यूटन फोर्स। अ फोर्स विच कैन बी प्रोड्यूस एन एस्केलरेशन ऑफ ए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए मास ऑफ ए 1 केजी इज कॉल्ड 1 न्यूटन फोर्स। क्या प्रोड्यूस करता है फ्रेंड्स, एस्केलरेशन। तो कि कितना प्रोड्यूस करता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना, और कितने मास पे, तो कि 1 केजी पे। और उसको क्या कहते हैं, 1 न्यूटन फोर्स। उसको क्या कहते हैं, 1 न्यूटन फोर्स। और बाद में आता है 1 केजी एफ फोर्स। अ फोर्स विच कैन बी प्रोड्यूस एन एस्केलरेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एस्केलरेशन। क्या है फ्रेंड्स, इसमें न्यू है, ग्रेविटेशनल एस्केलरेशन इन ए मास ऑफ 1 केजी इज कॉल्ड 1 केजी एफ। इसमें क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रेविटेशनल एस्केलरेशन। और कितने मास पे, तो 1 केजी मास पे। इसे कहते हैं 1 केजी एफ फोर्स। और फ्रेंड्स, लास्ट में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। उसमें क्या आता है, फर्स्ट मैग्नीट्यूड। उसमें फर्स्ट क्या आता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, तो कि हमारे जो फोर्स होते हैं वो किस में होते हैं, 10 किलो न्यूटन होते हैं, 200 किलो न्यूटन होते हैं, 50 किलो न्यूटन होते हैं, एक्सेट्रा। उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है फ्रेंड्स, अलोंग दी ओ एक्स। और क्या होता है, वेस्ट। और क्या होता है, 30 एंगल होता है, 45 एंगल होता है। जो हमारा फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हम। तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग दी ओ एक्स, वेस्ट होता है, 30 एंगल पे लगता है, 45 एंगल पे लगता है। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी नेचर। नेचर मीन्स वो कंप्रेसिव है या टेंसाइल है। नेचर मीन्स वो कंप्रेशन में है या कंप्रेशन और टेंसाइल। कंप्रेशन और टेंसाइल। एंड फोर्थ इज ए
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मीन्स फ्रेंड्स क्या होता है, हमारी कोई भी बॉडी है उसमें फोर्स लगता है और जहां पर फोर्स लगता है वो पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. और उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, द पॉइंट एट विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. और ये हम फिगर ड्रॉ करके हम दिखाते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी है और यहां पे फोर्स लग रहा है, यहां पे फोर्स लगा है. ये कैसा फोर्स है, टेंसाइल फोर्स. कैसा फोर्स है फ्रेंड्स, टेंसाइल फोर्स. यहां पर भी टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल फोर्स. इसे कहते हैं F1, इसे कहते हैं F2, और उसको क्या कहते हैं दोस्तों, पुल कहते हैं, पुल. और ये दूसरी फिगर है, ये हमारी बॉडी है, यहां पर फोर्स लगता है, यहां पर ये CP है, मीन्स कंप्रेशन प्रेशर. मीन्स क्या होता है, कंप्रेशन फोर्स. और उसमें फ्रेंड्स क्या होता है, पुश होता है. उसमें फ्रेंड्स क्या होता है, पुश होता है. ओके फ्रेंड्स, और हमारा दूसरा टॉपिक नेम है वेट एंड मास. तो उसमें हम देखते हैं पहले वेट. द फोर्स बाय विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी. इसमें IMP वर्ड्स फ्रेंड्स क्या है, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्या होता है, वेट. वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो कंप्लीटली स्पेसिफाइड. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो कंप्लीटली स्पेसिफाइड. उसे क्या कहते हैं, वेट कहते हैं. और वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. द यूनिट ऑफ वेट इज ए न्यूटन, किलो न्यूटन एंड KGL. और फ्रेंड्स अब आता है मास. द मैटर कंटेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड मास. द मैटर कंटेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड मास. मास इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज मास है जो वैल्यू पर डिपेंड करता है, नॉट द डायरेक्शन. ओनली बिकॉज द ओनली वैल्यू पर डिपेंड करता है, नॉट द डायरेक्शन. यूनिट ऑफ मास इज kg और टन. वेट और मास का जो रिलेशन है वो क्या है फ्रेंड्स, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, वेर m इज इक्वल टू वेट और w इज इक्वल टू वेट न्यूटन, m इज इक्वल टू मास जो है kg में, और g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और उसे हम कितना लेते हैं दोस्तों, उसकी वैल्यू कितनी है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है सिस्टम ऑफ फोर्सेस. उसमें फर्स्ट आता है, और ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो GPSC के एग्जाम के पेपर में निकल कर आते हैं. और उसमें हम पहले टॉपिक देखेंगे कोप्लानर फोर्सेस. तो फोर्सेस और लाइन ऑफ एक्शन लाइन ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज ए कोप्लानर फोर्सेस. यहाँ पर हमारे एक प्लेन है, ये हमारा प्लेन है. यहाँ पे यहाँ फोर्स लगता है, यहाँ पर फोर्स लगता है और यहाँ पर फोर्स लगता है. इसे हम कहते हैं P1, P2, P3 और ये हमारा है प्लेन. जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के फोर्स है वो एक ही प्लेन पर लगता है. कितने प्लेन पर लगता है, एक ही प्लेन पर. तो उसे हम क्या कहते हैं, कोप्लानर फोर्सेस. टॉपिक नंबर टू कॉनकरेंट फोर्सेस. द फोर्सेस विच मेट एट वन पॉइंट आर नोन एज ए कॉनकरेंट फोर्स. उसे भी हम फिगर में देखते हैं. ये हमारा प्लेन है, ये क्या है, ये प्लेन है और ये हमारा पॉइंट है P1, P2 एंड P3. ये है हमारा P1 है, P2 है, P3. जो डिफरेंट टाइप्स के फोर्स होते हैं वो एक ही पॉइंट पे लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉनकरेंट फोर्सेस. टॉपिक नंबर थ्री, कोलिनियर फोर्सेस. द फोर्स वॉज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज ए कोलिनियर. उसमें भी हम फिगर ड्रॉ करते हैं. ये हमारा प्लेन है, ये क्या है फ्रेंड्स, प्लेन है और ये हमारे लाइन है, लाइन. तो इसे हम कहते हैं P1 कहते हैं, इसे P2 कहते हैं और P3 एक ही लाइन पर लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर फोर्सेस. टॉपिक नंबर फोर, कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्सेस. द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट, द फोर्स
which meet at one point and their lines of action also lie on the same plane, are known as a coplanar concurrent forces. उसमें भी हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा फिगर है और उसे क्या कहते हैं, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस। ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है और ये हमारा प्लेन है, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस। अब टॉपिक नंबर 5 है कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट forces, the force whose line of action lie on the same plane but they do not meet at one point are known as a coplanar non-concurrent forces. जो हमारा force है वो लगता है एक ही plane पर, लेकिन do not meet at one point, लेकिन one point पे नहीं लगता है, different point पे लगता है, उसके भी हम figure draw करते हैं friends। ये हमारा क्या है, plane है, ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है, लगते हैं एक प्लेन पर लेकिन डू नॉट मीट एट वन पॉइंट आर नोन एज ए कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। अभी आते हैं नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। द फोर्स वाज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन एंड दे डू नॉट मीट एट द वन पॉइंट आर नोन एज ए नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। उसमें भी हम फिगर ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट ने ये रिजिड बॉडी हमें दर्शाना पड़ता है और यहां पर लगते हैं P2, यहां पर लगते हैं P1 और यहां पर लगते हैं P3। डिफरेंट टाइप्स के फोर्स है, वो डिफरेंट प्लेन पे और डिफरेंट पॉइंट पे लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज। 7 टॉपिक नेम इज लाइक पैरेलल फोर्स, द फोर्स लाइन ऑफ एक्शन लाइक parallel to the each other and all of them act in the same direction are known as a like parallel forces उसे क्या होता है, ये हमारा plane है और वो ये force की direction है, ये force की direction है, जो force की direction है वो same है, ये P1 की direction same है, P2 की direction same है, P3 की direction same है और P4 की direction सेम है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस। अभी टॉपिक नंबर आता है 3, पैरेललोग्राम लॉस ऑफ फोर्सेस। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसके एग्जांपल गेट और जीपीएससी के एग्जांपल निकल के आते हैं, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं अभी। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग सिमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल्स be represented in a magnitude and direction by the two adjacent side of parallelogram, the resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram which passes through their point of intersection. दोस्तों यहाँ पर हम फिगर पे उसका आंख उसका जो सभी उच्चार है वो देखते हैं। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, टू फोर्सेस होता है पी एंड क्यू और तीसरा फोर्स है हमारा वो क्या है, रिजल्टेंट फोर्सेस जो है पी और क्यू के डायगोनल पैरेललोग्राम पे और उसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, वो पॉइंट से निकल के आता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्सेस, आर इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्सेस। एंड उसका जो मैथमेटिक्स फॉर्मूला है वो है R is equal to under root P square plus Q square plus 2PQ cos theta और tan phi is equal to Q sin theta plus P plus Q cos theta। ये most IMP formula है friends, ये most IMP formula है जो GPSC के exam पे निकल के आते हैं और उसमें friends ये जो alpha है उसका angle क्या है friends, तो के OCA means P और R के बिटवीन जो होता है एंगल उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं और फाई क्या है, P और Q के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। अभी चलते हैं अगले टॉपिक पर फ्रेंड्स, लामिस थ्योरम ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो GTU के एग्जाम पे भी निकल के आते हैं। इफ थ्री कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग
at the point B in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, थ्री कोप्लानर फोर्सेस होता है, मीन्स एक ही प्लेन पर लगते हैं लेकिन एक पॉइंट पे नहीं लगते, डिफरेंट पॉइंट पे लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर P डिफरेंट है, R डिफरेंट है और Q डिफरेंट है। और दूसरा उसमें क्या लिखा है फ्रेंड्स, इच फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। उसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, मैथमेटिकली हम देखते हैं अभी फ्रेंड्स क्या उसका मीनिंग होता है। उसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ये हमारा P है, P P अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, R अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, Q अपॉन साइन बीटा। इस रूल्स को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अभी हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो है इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारे लिए है लिस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स, लिस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास। द रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट टेंसाइल फोर्सेस, द रिजल्टेंट of two concurrent tensile forces is maximum when an angle them is, first question है, the resultant of two concurrent tensile force is minimum when angle between them is, and fifth question है friends, the condition of equilibrium for coplanar concurrent forces, and sixth question है friends, or last question है, for coplanar concurrent forces system if summation h is equal to plus v and summation v is equal to minus v, the resultant forces lines in the, तो friends आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके फ्रेंड्स को जिनको इनकी जरूरत है उनको शेयर करिए, और आपको कुछ डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियो आपको आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स।